अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स आप नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे। तो अच्छा, अब है, आज है 10th of July और आज है मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे। 5:30 बजे बल्कि मैं उठ गई थी और छोटे मोटे काम किए, नमाज़ वगैरह, और उसके बाद फिर मैं आगे से हम पौधे लेके आए थे ना, उनको मैंने शिफ्ट करना था गमलों में। तो फिर अब चलें ये वाला काम शुरू करते हैं। मैं पहले सारे गमले ले आई थी, हमारे पास काफ़ी पुराने पड़े हुए थे, तो अब उन्हें रीन्यू करना था सारे, अंदर से मिट्टी निकाल के तो फिर अंदर पौधे लगाने थे। मैं सारे गमले लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी कि बिल्ली के ऊपर मिट्टी गिरी थी, तो खैर अब इनमें से सारी ना हाफ हाफ हमने मिट्टी निकाल देनी है और फिर इसके अंदर पौधा लगा देना है। अच्छा, ये सुबह के टाइम मैं कॉलेज जाने से पहले गई थी, इस वजह से जल्दी गई थी क्योंकि अभी रात को पौधे लेके आए थे, इसलिए इन्हें गमलों में शिफ्ट करना ज़रूरी था, इन्हें पानी वगैरह भी देना था ना, तो इस वजह से। तो मैंने सारे फिर पौधे सेट किए और पूरा 1 घंटा मुझे लगा था। 5:30 बजे मैं ये काम करना शुरू किया था और 6:30 बजे मैं फ्री हुई थी। और आप लोग इन कैटोस को देख रहे हैं कैसे मेरा साथ दे रही हैं, मेरी हेल्प कर रही हैं ये पौधे लगाने में। अच्छा, अभी भी मैंने पहले पौधा लगाया ना, वो कोई फ्लावर वाला था, उसके अंदर ना दो बड़ी बड़ी सी कलियाँ लगी हुई हैं, वो जब खिलेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो और उसके बाद फिर मैंने लगाया मोती का, और उससे पहले ये जो है ना, चलो उसे छोड़ें, उसका नहीं मुझे पता कैसे बताऊँ मैं आपको। अभी ये जो मैं लगा रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ कड़ी पत्ता, ठीक है। मेन हम नर्सरी में करी पत्ता ही लेने गए थे और फिर मैंने सारी शॉपिंग वगैरह करवा दी मामा को बाकी पौधों की, क्योंकि मेरा बड़ा दादा ना शौक था पौधे लेने का। तो अच्छा, जितने प्यारे फूल ये पौधे लगते हैं ना, उतना ही मज़ा ना ये गार्डनिंग करने में आता है, ये मिट्टी खोद के और अंदर पौधे लगाने का क्या ही मज़ा है। अच्छा, और अब ये वाला जो पौधा ना, ये वाला लेमन का पौधा है। और अच्छा, यहाँ पे जो टब में एलोवेरा लगी हुई थी ना, यहाँ पे साइड पे जगह खाली है, वहाँ पे ये जो मिट्टी सारी बची है ना, ये मिट्टी डाल दूँगी मैं और फिर इसके अंदर लगाऊँगी ये वाला पुदीना, ठीक है। और ये वाला पुदीना लगाते हैं। अच्छा, कॉलेज वाला जो दिन था ना, पहला दिन आज का, तो बड़े ज़्यादा मज़े का उतरा था, काफ़ी ज़्यादा हमने फ़न किया था। मैं आपको ना, हमने जाके वहाँ पे ना जाके क्लिप्स भी बनाए थे, तो मैं ना लास्ट पे आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था और आप लोग भी इन्जॉय कीजिएगा देख के। अच्छा, ये मिट्टी डाल दिया, इसके अंदर हम पुदीना लगाएंगे। अच्छा, जब तक हम पुदीना लगा रहे हैं तब तक आप ना कमेंट्स में लिखें, जिस जिसके घर में गुलाब का पौधा ना वो रोज़ कमेंट में भेजें, और जिस जिसके घर में लेमन का पौधा ना वो लेमन कमेंट में भेजें, ठीक है। मैं आपसे ही बात कर रही हूँ और आपने कमेंट्स करने हैं ज़रूर, ठीक है। और उसके साथ हम जो होते हैं ना अंग्रेज़ी गुलाब, वो वाला पौधा भी हम ले गए थे, वो पुदीना मैंने लगा दिए। ये है लेमन, ये जो सबसे बड़ा पौधा है, ठीक है। और उसके बाद कड़ी पत्ता और ये फ्लावर वाला पौधा, और ये वाली जो है ना, ये कलियाँ मोटी मोटी निकली हैं, तो ये जब खिलेंगे ना काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अंकल बताए थे कि इसमें ना वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं, तो होप्स तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे होंगे क्योंकि इसका पौधा ही काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हाँ, ये जो सबसे इधर है ना कॉर्नर में जो गमला पड़ा हुआ है ना, ये नियाज बोस का लगा हुआ है। और ये है रोज़, वो जो अंग्रेज़ी गुलाब था ना, ये वो है। तो इसके मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, वहाँ पे बताया थे कि जो फ्लावर्स मतलब मुरझा जाते हैं ना, उन्हें काट देना चाहिए क्योंकि वो तो मुरझा गए, उनका कोई काम नहीं है पौधे पे, एक तो वो अच्छे नहीं लग रहे और दूसरा ना पौधे को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इन चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ताकि पौधे की जो एनर्जी है ना वो बची रहे और उसका सारा फोकस पौधे का जो नई कलियाँ आ रही है ना उस पर लगा रहे, इस वजह से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना पौधे में वो निकाल देनी चाहिए। इसके पत्ते काफ़ी प्यारे थे, फिर मैंने यहाँ गमले के अंदर ही फैला दिए, ठीक है। ये वाला फ्लावर अभी अच्छी हालत में था थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैंने इसे रहने दिया। और इस पौधे की ना 2 कलियाँ निकली हुई हैं गुलाब की, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इन डक्स के पास, डक्स को मैंने देखा, उन्हें खाना दिया और उन्होंने खाना इंजॉय किया। ओहो, एक सबसे मेन चीज़ तो मैं भूल गई, इन्हें पानी देना मैं भूल गई थी। फिर मैं वापस आई, इन्हें पानी देने के लिए पानी दिया और काफ़ी फ्रेश फ्रेश लगना शुरू हो गए थे ये। और साथ में वो जो किनाली थी ना, जिस पे जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी कि चिड़ियों के लिए लेके आई थी, वो वाली फिर मैंने यहाँ पर पानी डाल के इन पौधों के पास ही रख दिया। और अब जाएंगे हम कॉलेज के लिए रेडी होने के लिए, मैंने रोटी पकाई और साथ मैंगो के साथ रोटी खाएंगे।
आप में से भी आज कई लोगों ने मैंगो के साथ ही रोटी खाई होगी। और अच्छा खैर, मैं रेडी हो चुकी थी और अभी मैं ये सनब्लॉक तो मस्ट है ना, सनब्लॉक लगाएंगे। और सनब्लॉक ये मैं यूज़ करती हूँ वेंसे का। ये मैंने असल में ना पापा को गिफ्ट किया था फादर्स डे में, आपने देखा होगा। तो पापा तो इतना यूज़ करते नहीं है, इतना क्या पापा तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्योंकि शुरू से जिसने मतलब आदत पड़ी हो ना वही मेरे ख्याल से बंदा लगा सकता है। तो पापा ने ना शुरू से कभी लगाया है, तो अभी भी पापा को ना मतलब आदत नहीं पड़ी, तो फिर इसलिए अब मैं यूज़ करना शुरू हो गई। वैसे मेरी पूरी नीयत यही थी, मैं पापा के लिए ही लाई थी और मेरे पास एक है था मैं वो यूज़ करती थी, लेकिन अब पापा ने नहीं यूज़ करना तो किसी ने तो यूज़ करना ना। अच्छा, अब ये वाली सारी चीज़ें सेट सुट हो गई हैं, पानी वाली बोतल में अंदर रख लिया और आई एम रेडी। बस अब आया पहनना है और फिर चले जाएंगे कॉलेज। और 1 2 3 एंड एक मिनट दोबारा करते हैं, 1 2 3 एंड मैं वापस आ गई। अच्छा, तो कॉलेज वाला क्लिप मैं आपको ना दिखाती हूँ, लास्ट पे मैंने ना अटैच किया। कॉलेज से आते हुए मैं लेके गई थी, अब इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ थी ना तो मेरे पास पैसे जमा हुए हुए थे, तो मैं अपने लिए लेके आई पिज़्ज़ा और क्रीम रोल और जो साथ में कपकेक और ब्राउनी है ना, वो मेरी छोटी सिस्टर्स की हैं दोनों की। और अच्छा, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं डक्स लेके आई थी आऊँगी, लेकिन डक्स की जगह मैं ये पिज़्ज़ा और क्रीम रोल ले आई हूँ। उफ़, मुझे आते हुए बड़ी ज़्यादा भूख लगी थी, मेरा बड़ा ज़्यादा क्रेविंग हुई थी बेकरी जाने की, इसलिए मैं फिर ले आई। अच्छा, और ये सारा जो गनगुन हमने कॉलेज में मारा है ना, ये वो हाथ पे लगा हुआ है। अब मैं पिज़्ज़ा इंजॉय करूँगी और अपनी डक्स को दोबारा मिलूँगी, डक्स को पानी में डाल के फिर थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। तो ये गई पानी में मज़े करने के लिए, अब अपना कॉलेज का क्लिप इंजॉय करें, ठीक है। बस उम्मीद है। हाँ,
अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। कहना तो ये फाफड़ा ये नहीं सही हुआ, क्या अंगूठा छोड़ो कहाँ सा कहना, कुछ करना पेंट लगाओ, ये दुकान चल रही है ये क्यों नहीं खाएगा हमें लग रहा मुझे है। मेरा हाथ कितना प्यारा है, कहीं ना ठीक है कहने, तुम क्या तोड़ तोड़ रही हो वीडियो, जोड़ लो की बात उम्मीद है आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, मिलूंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में।